देसी अम्मा के बावर्ची खाने के सिर्फ चैनल में खुश आमदीद। आज हम जो है वो कुछ कुकिंग नहीं करने वाले। आज मैं जो हूँ अपने चैनल के लिए एक नया बाशिंदा लेने के लिए आई हूँ। हाँ जी, ये हमारे एक किचन में जो है एक एडिशन होने वाली है। ये जी मैंने नाइकन का Z30 कैमरा जो है वो लिया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है कैमरा। ये मैंने जो है मरी रोड नाइकन सेंटर से कैमरा लिया था और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया था। जिस तरह ये जो है ये अभी इसको वैसे ये सील पैक में आते हैं, जब कोई परचेज़ कर लेता है तब ये बॉक्स जो है वो ओपन करते हैं। तो मैंने परचेज़ कर लिया था, फिर इन्होंने ओपन किया। अब ये वारंटी कार्ड वगैरह और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड थी वो सब चीज़ें ये दिखा रहे थे। मेरे सेंडफुल के माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हाफ वॉइस इनकी रिकॉर्ड नहीं हुई और हाफ जो है वो इसमें आ गई है। तो चलिए इन्हीं से सुनते हैं। ये बेसिकली मिररलेस मिररलेस में ये है कि ज़रा सामने होता है सेंसर और बहुत एहतियात करनी है लेंस लगाते हुए। खैर आपके बस यही की लेंस है, कोशिश करें उतारे ही नहीं। आपने इसको लूज़ किया, ठीक है, अब ये लूज़ हो गया, ठीक है, अब आपने इसको लूज़ किया, ठीक है। लेंस हमेशा जो लगाना है ना आपने, अब ये देखिए ये वाइट डॉट है, ये वाइट डॉट है, इन दोनों को आपने मिलाना है और उल्टा ही रख के आपने लेंस लगाना है। सीधा रख के कभी भी नहीं लगाना, वो फिर सामने डस्ट चली जाती है और वो फिर सर्विस सेंटर जाएगा, फिर उन्होंने डस्ट वगैरह साफ करके भिजवाएंगे तो उसमें टाइम जो है ना कंज्यूम होगा। ये होगी इसकी बैटरी, ठीक है, और इसके साथ ही है इसका साथ ही इसके डले गए मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये उसने ना यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि लगाना आपने किस तरह, ठीक है। बार बार ये चीज़ें मेमोरी कार्ड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है ना। वो बस यूएसबी केबल, इसको आपने ये किया, ठीक है, ये फ्रंट पे और ये आप मुझे इसी तरह का कुछ चाहिए था ना, क्योंकि मोबाइल मुझे इधर रखना पड़ता है देखने के लिए। अब यहाँ पर मैं सामने से बना सकती हूँ, मेरा हाथ ही वीडियो में आ जाता था। अच्छा, अब आप इसे व्लॉगिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप भी आ रहे होंगे, सही है। अच्छा व्लॉगिंग इजी हो गया, मैं पिक्चर बना रही है अभी, सॉरी पिक्चर पे था, हम लोग इसमें करते हैं वीडियो पे, ठीक है। अब ये इसके मोड्स हैं वो जो भाई भी पूछ रहे थे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे किया, अब ये वीडियो, अच्छा ये वीडियो बन जाएगी यहाँ, ठीक है, ये वीडियो पे आ गया और वो स्टिल पे है, वाइड एंगल होगी, सही, ठीक है। इससे आप व्लॉग भी कर सकते हैं अपना और वो जो आप बता रहे थे, सही है। ये बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब वो रेड बटन है वो बता रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, साथ वो REC भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसी बटन को आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग होगी बंद हो जाएगी। अपने व्यूअर्स को दिखाएं आप, ये देखें ये ज़ूम, अच्छा ये ज़ूम हो गया, और इसको ये फिर बंद कर देना हमने, यही अब उसको आप करें स्टिल फोटोग्राफी पे ऊपर, वो जो नीचे ये होगा ये आ गया स्टिल फोटोग्राफी, ठीक है। अब आप इसकी पिक्चर क्लिक करके आप अभी आप देखें हम लोग इधर इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में ये मूव हो या हम मूव हो उसने आई को पकड़ के रखना है, ठीक है।
चले शॉप में तो मैंने चेक कर लिया था, फिर मैंने घर में आके इसको चेक किया। इन्होंने जो है ये बैग की जो है प्राइस जो है वो सेपरेटली इन्होंने चार्ज की थी, 2000 या 2500 इसकी जो है वो प्राइस थी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे प्राइसेस में तो वो मैं सारा जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप कमेंट करके बताएं आपको प्राइसेस वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ये कैमरा वगैरह ओपन करके देखा, थोड़ा मोबाइल की निस्बत थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है कैमरे को हैंडल करना, इसकी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं, अभी तक मैंने जो है वो नहीं सीखी, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है सीखूंगी। एक वीडियो जो है मैंने कैमरे के साथ रिकॉर्ड की है, वीलॉग टाइप का है कुछ, रमज़ान के प्रेपरेशन से रिलेटेड, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी लगाऊंगी। उसमें ये कि इसकी जो टाइमिंग है ना, ये 31 मिनट्स वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसकी बैटरी जो टाइम देगी वो 31 मिनट जो है वो रिकॉर्ड करेगी, 31, 32 या 30 मिनट्स रिकॉर्डिंग होती है इसकी। तो ये जो है ये मैंने ऑलरेडी उन्हें बताया था कि मुझे जो है वो तो फुल डे भी कभी कभी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा था कि आप पावर बैंक साथ ले लें, तो मैंने पावर बैंक भी जो है वो साथ परचेज़ किया है। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैं वो वीलॉग बना रही थी तो उसमें जो है ना मैंने सारी बैटरी को ख़त्म करके फिर पावर बैंक लगाया, जिससे जो है ना वो सही नहीं था। मतलब आपको स्टार्ट में ही ना जब आप पॉजेज आप देंगे वीडियो में तब आपको साथ साथ लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा अभी ज़रा हाथ मेरा बिठाना थोड़ा टफ है इस पर। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी वगैरह इसकी, वीडियो क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, 4K 8K तक की ये जो है वीडियोज़ वगैरह बनाता है। तो इसके साथ अब इस कैमरे को जो है मैं आम स्टैंड पे तो नहीं लगा सकती थी, जिससे जो है मैं मोबाइल पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। 2 से 3 स्टैंड्स हैं मेरे पास मोबाइल के, क्योंकि ये ज़री बात है अच्छा वाला कैमरा है, और ये जो मोबाइल के कैमरास होते हैं वो थोड़ा ज़रा ना ज़रा सा भी इसको धक्का मारो गिर जाते हैं। तब इतनी महंगी चीज़ लिया तो उसके साथ फिर मैंने स्टैंड भी लिया, वहाँ पर डिफरेंट तरह के जो हैं वो स्टैंड्स थे। तो मैंने जो है ये भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ स्टैंड की, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था इसका स्टैंड, कि आप मूव वगैरह इसी पे रख के कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको ओपनिंग कर रही हूँ, इतनी अच्छी सी इसकी पैकिंग वगैरह हुई हुई थी, ये बॉक्स के अंदर था, बॉक्स के अंदर जब बॉक्स को आप खोलते हैं तो जी अंदर से निकलता है बैग। और बैग की अच्छी चीज़ यह है कि जिस तरह आप लोग कहीं आ जा रहे हैं ना, तो जब आपको अपना जो स्टैंड है वो कैरी करना है तो साथ इसके बैग टाइप का मतलब हैंडल सा लगा हुआ है, जिसको आप अपने जो है वो शोल्डर पे टांग सकते हैं। ये देखें इस तरह से, कि ज़रा हैवी ड्यूटी जो है वो स्टैंड है कैमरे के हिसाब से। और ये देखें जी, अब इसको हम ओपन करेंगे। दो से तीन तरह के स्टैंड्स आते हैं इसके साथ, लेकिन ये मैंने जो है थोड़ा अच्छा वाला स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बार बार जो है वो स्टैंड्स पे ही इन्वेस्ट करती रहूं। अब इसके साथ ये बुकलेट भी आई है, अभी ये मैंने जो है ये भी मैंने पढ़नी है कि इसके मज़ीद क्या क्या फंक्शंस वगैरह हैं। तो ये देखें, ये मैं अभी ओपन कर रही हूँ, ये शॉपर में अच्छे तरीके से जो है वो पैक हुआ हुआ था, रैपिंग हुई हुई थी शॉपर मतलब अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग हुई हुई थी पॉलीथीन में। तो ये इसको जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन जब ये मतलब कैमरा जब मैं रखती हूँ ना इसको स्टैंड पर रखती हूँ, तो बच्चों को मेरी कोशिश होती है कि आसपास ना आए, क्योंकि बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि मेरा मोबाइल तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ना बार बार गिर जाता है। और इसके आप ये फुट देख रहे हैं बड़े अच्छे से हैं, मतलब से इनकी ना ग्रिप अच्छी सी हो जाती है। अब ये मेरा मोबाइल वाला स्टैंड है, जिससे मैं स्टार्ट में वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, मतलब ये कई दफ़ा ये स्टैंड ना वीडियो बनाते हुए मतलब मुझे ना इसके ऊपर ताला लटकाना पड़ता था मोबाइल को, अगर मैं जिस तरह झुका के अगर मैं वीडियो बना रही होती थी तो दूसरी तरफ मैंने ताला लटकाया हुआ होता था, क्योंकि वो स्टैंड झुकाव जैसे ही होता था ना वो गिर जाता था। कितनी दफ़ा मेरा मोबाइल जो है वो गिरा है। तो ये वाला जो है ये अच्छा है, मतलब फिक्स हो जाते हैं। और इसके ये जो है ना बाज़ औक़ात बाज़ स्टैंड की प्रॉब्लम होती है कि ये लूज़ हो जाते हैं बार बार, इसकी ग्रिप ना ओपन क्लोज़ करने की, तो वो ये कहते हैं इसकी ये इतनी जल्दी नहीं इसके ये जो है ख़राब होते हैं। तो मैंने इसलिए ये वाला लिया, और इसकी जो प्राइस थी वो थी 12,000 रुपीज़ स्टैंड की। अब जारी बात है एक इतना महंगा कैमरा ले लिया तो स्टैंड भी लेना है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैं ख़ुद तो पकड़ के नहीं बना सकती इसको। तो ये देखें जी, मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, अभी मैं आपको स्टैंड के ऊपर कैमरा भी लगा के दिखाऊंगी। अभी जो मैंने कैमरा है वो गलत तरीके से इसके ऊपर लगाया था घुमा घुमा के, लेकिन असल में जो है ना इसके ऊपर वाली जो चीज़ है वो निकल आती है, और फिर नीचे एक जो है स्क्रू सा लगा होता है, जिससे आप अपने कैमरे को जो है वो टाइट कर सकते हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये अनबॉक्सिंग की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, जो जो चीज़ें मैं लेती जाऊँगी उसका ज़रूर आपको बताती रहूँगी। चले मिलती हूँ नेक्स्ट एक अमेजिंग से वीडियो में, फ़ी अमान अल्लाह, हाफिज़।